सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि आपको 10,000 के कम के प्राइस में मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेस देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेडमी 4 के बारे में। तो सबसे पहले नंबर में मैंने रेडमी 4 को रखा हूँ क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पेस देखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि Xiaomi का फ़ोन इंडिया में दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने रेडमी 4 को 1 नंबर में रखा हूँ। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का स्क्रीन साइज, इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 435 के साथ आने वाला है। ये 3 रैम वेरिएंट के साथ आता है, 2 GB, 3 GB और 4 GB। अगर आपको जो वेरिएंट पसंद है आप वो वेरिएंट ले सकते हैं। इसकी प्राइस है 7,000 से लेकर 11,000 के बीच में। इसमें आपको फिंगरप्रिंट का स्कैनर भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छे इस फ़ोन में आपको दिए गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर में मैंने फ़ोन रखा है यूरेका ब्लैक। तो इस फ़ोन में भी आपको काफ़ी अच्छे स्पेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फ़ोन में हमें और क्या क्या स्पेस देखने को मिलता है। 1.4 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 430 के साथ आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इस फ़ोन में आपको दिया गया है। 4 GB रैम है और 64 GB इसमें आपको एक्सपेंडेबल की सुविधा मिलेगी और 32 GB की इसमें आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। एंड्रॉयड का 6.0 है इस फ़ोन में और इसमें आपको मिलेगा 3000 mAh की बैटरी। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन की प्राइस लगभग आपको 8,999 रुपीज़ है। तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं अगर आपका मन है ये फ़ोन लेने का। काफ़ी अच्छा स्पेस दी गई है फ़ोन में और काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी भी इस फ़ोन में आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे फ़ोन की जो कि मैंने 3 नंबर में रखा है। ये है लेनोवो के तरफ से लेनोवो K6 पावर। तो इस फ़ोन में भी आपको अच्छे अच्छे स्पेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या स्पेस देखने को मिलेगा। तो इस फ़ोन की बात करो तो इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो कि सेम प्रोसेसर आपको जो यूरे का ब्लैक में मिली थी, स्नैपड्रैगन का 430, यह प्रोसेसर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा और 3 GB की इसमें आपको रैम मिलेगी। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन की प्राइस रखी गई है 10,599 रुपीज़, मतलब आपको लगभग 10,000 के करीब ये फ़ोन मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी स्टोर या फिर ऑनलाइन से आप देख सकते हैं ये फ़ोन लेने का सोच रहे हैं। तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं चौथे फ़ोन की। तो चौथा फ़ोन है वो है मोटो की तरफ से मोटो G4। तो मोटो G4 के मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का टच स्क्रीन के साथ ये फ़ोन आने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन का 617 के साथ आता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 617 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 2 GB की इसमें आपको रैम मिलती है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है। तो अगर आपका बजट 10,000 है तो आप ये सब फ़ोन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा इस फ़ोन में आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारा आखिरी फ़ोन जो कि है नोकिया की तरफ से। तो जी हाँ, नोकिया ने आपको पता ही है कि नोकिया फ़ोन लॉन्च कर दिया था अपना नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6। तो ये फ़ोन है नोकिया 3। तो नोकिया 3 की प्राइस लगभग आपको 10,000 के नीचे मिल जाती है। तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको मीडियाटेक का 6737 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो 2 GB की रैम मिलेगी। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड का 7.0 नुगट मिलेगा। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप नोकिया के फ़ोन पसंद करते हैं तो ये फ़ोन ज़रूर आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। और बात करें अगर आपको फ़ोन लेना है तो अभी 5ों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन आपको ले सकते हैं। ये 5ों फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब।